माँ के चरणों में प्रेम नमन। माँ, मेरा प्रश्न ये है, ओशो की शिक्षा का सार संक्षेप में बताने की कृपा करें। ओशो की शिक्षा का सार और संक्षेप में बताना, बताने ही मुश्किल है, लेकिन हम गाकर, गुनगुनाकर, नाचकर ही बता सकते हैं उनके शिक्षा का सार। ओशो की शिक्षा का सार यदि संक्षेप में बोलें तो मुझे वो शेर याद आता है, ये माना जिंदगी होती है यारों चार दिन की, ये माना जिंदगी होती है यारों चार दिन की, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी, बहुत होते हैं यारों चार दिन भी, अगर हमें जीने की कला आ गई तो चार दिन बहुत हो जाते हैं, है ना। खुदा को पा गया वाइज मगर, खुदा को पा गया वाइज मगर, है ज़रूरत आदमी को आदमी की, है ज़रूरत आदमी को आदमी की। ध्यान में हम डूबते हैं, आनंद बरसता है, अब ये आनंद लुटना चाहता है, बिखरना चाहता है, तो बिखरने के लिए है ज़रूरत आदमी को आदमी की। माना इन फिजाओं में बिखरेगा, माना इन पेड़ों में, पंछियों में बिखरेगा, सर्वत्र बिखरेगा, लेकिन फिर भी हमें नाचने गाने उत्सव मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। है ज़रूरत आदमी को आदमी की, जब जीने की कला आ गई। ओशो कहते हैं ना, उनकी शिक्षा का सार संसार भी हो और संन्यास भी हो, दोनों चीज़ें, ज़ोरबाति बुद्धा, उनकी शिक्षा पृथ्वी पर हमारी जड़ें और आकाश की स्मृति रहे। और एक गीत से और सुनाते हैं इसको, हम सब गाएंगे इस गीत को और हृदयंगम करेंगे उनकी शिक्षा का सार। ओशो का हम सबसे ये ही कहना है, ओशो का हम सबसे ये ही कहना है, चहकते हुए गाओ जरा, इस पल में जीना है, पल में रहना है, मस्ती में प्रेम प्रभु से करना है, प्रभु से करना है, ओशो का हम सबसे यही कहना है। गम की काली रातें सदा रहती नहीं है, सुबह सूरज की किरणें रुकती नहीं है, जीवन के फूलों को हर क्षण खिलना है, देखो प्यारा रब कितनी मस्ती में गाए, इस लाइन को जरा मस्ती से गाओ, देखो प्यारा रब कितनी मस्ती में गाए, हमको अपनी प्रीति का संदेशा सुनाए, हम सबको अनहद का नगमा सुनना है, एक दिन माटी की काया खाक में मिलती है, एक दिन माटी की काया खाक में मिलती है, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे चलती है, लेकिन आत्मा की यात्रा
शाश्वत चैतन्य से नाता गहराना है, नाता गहराना है, शाश्वत चैतन्य से नाता गहराना है, मस्ती में प्रेम प्रभु से करना है, ओशो का हम सबसे यही कहना है, ओशो का हम सबसे यही कहना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान से इसका क्या संबंध है? ध्यान से उपवास का बहुत संबंध है। बैठे इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के वैज्ञानिक युग में हम समझ कर उपवास के पूरे फायदे ले सकते हैं। उपवास का अर्थ ओशो ने हमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उपवास यानी अपनी आत्मा में वास करना, अपने निकट पहुंचना, स्वयं में वास करना, स्वयं के स्वरूप में पहुंच जाना। तो कैसे पहुंच जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग? हमारे शरीर में दो सिस्टम है ऊर्जा ग्रहण करने के। पहला, हम भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब हम भोजन नहीं देते हैं शरीर को और बिल्कुल भूखा हो जाए शरीर, तो ये शरीर का सिस्टम बदल जाता है और फिर हमारे अंदर जो एक्युमुलेटेड भोजन है, जो फैट है, उससे भोजन ग्रहण करने लगता है। तो ये मैकेनिज्म चेंज होता है। अगर हम 16 घंटा नहीं खाते हैं, कुछ 16 घंटे तक फास्टिंग है, तब फिर अब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है। तो ठीक ऐसी स्थिति होती है जैसे कोई गाड़ी न्यूट्रल गियर में हो, या यूँ कह लो कि आप एक नाव से यात्रा कर रहे हो एक जगह नदी में, और दूसरे नाव में आपको छलांग लगाना है। तो जब आप छलांग लगाओगे दूसरे नाव में, अभी दूसरे नाव में पैर नहीं गया आपका, पहली नाव से उठ गए हो तो अभी हवा ही में हो। तो ऐसे समय में ये जो है विदेही अनुभव करने का बहुत अच्छा समय है। ऐसा घटित हो रहा है और बहुत आसानी से हम अपनी आत्मा को, अपनी वैदेही अवस्था को महसूस कर सकते। इसका अनुभव हमें ध्यान में अपने अमृत तत्व को पहचानने में बहुत गहराई देता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का उपयोग है ध्यान में। और कह लो कि सावधानी क्या, अब बोलो कि किसी को डायबिटीज़ है और किसी ने मेडिसिंस लेता है, या यूँ कह लो कोई इंजेक्शन लगाता है, तो उसको अपनी वो सावधानी बरतनी है कि उतने इंजेक्शन में कितना भोजन कितनी देर तक चलेगा, या एक मेडिसिन खाई तो उसका कितने खाना चाहिए उसको, उतना उसे डालना पड़ेगा फ्यूल उसके बाद। तो वो सावधानी अपनी अपनी सबको खोजनी होगी, मात्र उनको जिनको कि डायबिटीज़ की बीमारी है या हाइपोग्लिसीमिया जिनको होने का डर हो जाता है। हाइपोग्लिसीमिया यानी शुगर की कमी एकदम हो गई बॉडी में, ये उन्हीं को होती जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ सादर नमन, ओशो हमें सिखाते हैं चुनाव रहित जागरूकता, क्या इस प्रकार की चेतना का जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता पर कोई दुष्परिणाम पड़ सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे जो चुनाव रहित अवस्था में ओशो ने रहने के लिए कहा, चॉइसलेस अवेयरनेस में, वहाँ चुनाव करना आसान है। जब हम बहुत विकल्पों में जीते हैं, इधर और में जीते हैं, तब कैसे चुनाव करोगे? इतने सारे विकल्प हैं। किर्कगार्ड का नाम सबने सुना है ना, वो इधर और में ही जीता था, ये करना वो करना, रास्ते में चलता तो चौराहे में चला जाता, दाएं जाना बाएं जाना, आगे जाना पीछे जाना, ये ही डिसाइड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता। और मुश्किल तो जीवन के चौराहा ऐसा आया उसका कि प्रेम हो गया किसी से, और प्रेम हो गया अब उस शादी के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं वो खोजने के लिए फिलोसोफर था, बड़ी जिंदगी लग गई। और जब उसको डिसीजन आया कि बराबर फायदे भी उतने नुकसान भी उतने हैं, तब वो गया प्रेम निवेदन लेकर, खटखटाया डोर, दरवाज़ा एक वृद्ध ने खोला,
पूछा आपकी बेटी से, मैं प्रेम निवेदन लेकर आया हूँ। उसने पत्र देखा, बोला कि उनके तो बच्चे मौजूद हैं, अब तो आप बहुत देर हो गई है आपको, अब तो उनके बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, तो इतनी लेट हो गए, वो स्वयं अब दादी बनने वाली है। ये स्थिति जीवन में, जीवन की हर चीज हर घड़ी निकल जाती है, हम विकल्पों में ही डोलते रहते हैं। इतने हिस्सों में मैं बट चुका हूँ, मेरे हिस्से में कुछ बाकी ही नहीं, जब अपन बचेंगे नहीं तो कौन निर्णय लेगा। तो इसलिए विकल्पों में निर्णय लेना बहुत असंभव ही है। और जो चॉइसलेस अवेयरनेस में जीता है, उसके सामने जो आता है, चुनाव करने की जरूरत नहीं है फिर तो, और चुनाव करना बहुत आसान है क्योंकि उसके पास संकल्पित मन है, विकल्प नहीं है। अब उसके पास एक आत्मा पैदा हुई है, और आत्मा जब पैदा हुई है तभी हम चुनाव कर सकते हैं। जब तक आत्मा नहीं है, खाली डब्बा है, तो क्या चुनाव करोगे? ठीक, प्रणाम माँ। माँ, एक जिज्ञासा है कि अगर एक ही चेतना सबके भीतर है, तो फिर किसी एक को आत्मज्ञान होने से सबको आत्मज्ञान क्यों नहीं हो जाता? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जैसे यहाँ पर हम कलरफुल कितने सारे बल्ब रहते हैं, ये सारे बल्ब लगे हुए इनको देख रहे हो, अगर इस एक बल्ब को मैं लाल कर दूं तो क्या सारे बल्ब लाल हो जाएंगे? सारे बल्बों से लाल रोशनी आएगी क्या? आ सकती है? एक बल्ब को हमने लाल रंग दिया तो सारे बल्बों से नहीं आ सकती ना। इलेक्ट्रिसिटी तो वही की वही है, लेकिन एक बल्ब लाल हो गया तो उसके थ्रू लाल रोशनी आ रही है, एक बल्ब सफेद है तो उसके थ्रू सफेद रोशनी आ रही है। रोशनी तो एक ही है लेकिन बल्ब तो अलग अलग है ना। ऐसे ही समझो कि एक कुआं है, अलग अलग कुएं हैं, वाटर टेबल तो एक ही है। एक कुएं की हमने सफाई कर ली तो क्या सब कुएं साफ हो जाएंगे? सफाई की तो सबको जरूरत पड़ेगी। एक कुएं के साथ यद्यपि एक ही है पानी सब में, यद्यपि एक ही वाटर टेबल से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कुएं की सफाई करने से सब कुएं साफ नहीं हो जाते। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति को अगर आत्मज्ञान हो गया तो सबको हो जाए, ये संभव नहीं है। इसको हाँ, ये होता है कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया उसे पता चलता कि सब में वही है। जो मेरे भीतर चैतन्य है वो सबके भीतर, जो मेरे भीतर मौजूद है वो सबके भीतर विराजमान है। इसको भगवान शिव ने कहा प्राण समाचार। जब अपने भीतर वो प्राण, अपने भीतर आत्मा का अनुभव होता है, चैतन्यता का अनुभव होता है, तो उस दिन पता चलता कि सबके भीतर वही चैतन्य है। यद्यपि बल्ब अलग अलग है, एक बड़ा है, एक छोटा है, और भी छोटे बल्ब हैं यहाँ पर, लेकिन सबके भीतर वो इलेक्ट्रिसिटी तो अलग अलग है क्या? अलग अलग तो नहीं है, एक ही है। उस इलेक्ट्रिसिटी का बोध हो जाता है, उस चैतन्यता का बोध हो जाता है, इसको प्राण समाचार कहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को तो हो गया जिसको अपने भीतर का पता चला, लेकिन हर एक व्यक्ति को जब अपने भीतर पता चलेगा तब उसे पता चलेगा कि सबके भीतर वही है। फिर वो स्थिति आ जाएगी कि किसको पत्थर मारूं कैसर, कौन पर आया है। शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। अब सही प्रेम घटित होता है, अब अहिंसा नहीं साधनी पड़ती, अब दूसरे से, जब दूसरा हो तो हिंसा हो साधने की जरूरत, अपना ही विस्तार है, सब स्वयं का ही विस्तार है। तो फिर अब जाकर प्रेम का क्लाइमेक्स, उसको करुणा कह लो, अहिंसा कह लो, ये घटित होता है। प्रणाम अम्मा। नए साधकों को ओशो के कौन से प्रवचन सुनने चाहिए एवं कौन सी ध्यान विधियां करनी चाहिए? नए साधकों के बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। अगर कोई हिंदू घर से आया है तो मैं कहूँगी उन्हें गीता दर्शन पढ़ना चाहिए, और अगर कोई जैन माहौल से आया, जैन घर से आया, तो फिर उसे महावीर वाणी पढ़नी चाहिए, महावीर मेरी दृष्टि में पढ़ना चाहिए। अगर कोई सिख बैकग्राउंड से आया तो मैं कहूँगी कि उसे एक ओंकार सतनाम पढ़ना चाहिए, और अगर कोई किसी बैकग्राउंड में विशेष आग्रह नहीं रखता, बहुत ही खुले हृदय का है, तब है अंतरयात्रा ओशो की, ध्यान सूत्र है, जिन खोजा तिन पाइयाँ है। और कौन सी विधि करनी चाहिए पूछी, तो ओशो ने बहुत सारी विधियाँ दी हैं, यहाँ हम लोग बहुत सारी विधियाँ कराते, आपको जो अच्छी लग गई उसे आप करो, कंटिन्यू करो, या फिर आप घर में
उनकी दी हुई बहुत सारी विधियाँ आप कर करके देखो, तीन तीन दिन एक विधि को, जो आपको क्लिक कर जाए, जिसमें आपको लगता है कि आनंद आया, अब वो विधि आपको खींचने लगेगी, आपका मन होगा करने का, उस विधि को अपना लेना। ठीक। माँ जी प्रणाम। ओशो ने कहा है कि भगवान से कुछ न मांगो, फिर उपनिषद की प्रार्थना तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्या यह भिक्षा मांगने से अलग है, बताने की कृपा कीजिए। जब हम मांगते हैं तब हम बाहर की संपदा मांगते हैं, बाहर से धन मांगते हैं, संबंध अच्छे हो जाए ये मांगते हैं, सफलता मिल जाए ये मांगते हैं, ये तो मांग है, ये सारी मांगे हैं, ये भिखारीपन है, और ये भिखारीपन सबके भीतर मौजूद है। बड़े से बड़े अकबर के भीतर भी जब फकीर जाते हैं देखने, तो प्रार्थना अकबर जब दोनों हाथ फैलाकर करते हैं तो अपनी झोली भरने के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, फरीद वापस लौट आते हैं, क्योंकि हर एक का भिखारीपन भीतर मौजूद है, बाहर मांग मौजूद है, आंतरिक भराव जब तक नहीं आए इसकी मांग है। और ये मांग बाहर की मांग नहीं, ये मांग ऐसी कि मेरी मूर्छा कैसे दूर हो, ये केवल इंडिकेशन है कि अंधेरे से उजाले की ओर। सारी मांग अंधेरे में ही तो आती है, मूर्छा में तो ही मांग है। अब ये तो ऐसा है कि मेरी मांग ही विदा हो जाए, ये कोई मांग थोड़ी हुई, अंधेरे से उजाले की ओर। तो इसलिए, और दूसरी बात यह कि उजाला हमारी अपनी संपदा है, उजाला हमारी अपनी संपदा है, और गुरु देता नहीं है उसे, कोई किसी को दे नहीं सकता। दे मांग तो तब हो कि कोई किसी को दे रहा हो, गुरु देता नहीं है, उसकी मौजूदगी में हम अपने भीतर के आलोक से जुड़ जाते हैं, उसकी मौजूदगी में हम अपने चैतन्य से जुड़ जाते हैं। ये हमारी अपनी संपदा है और हम इसके हकदार हैं, तो इसमें ये भिखारीपन नहीं है। अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अमृत हमारी अपनी संपदा, मेरा अपना स्वभाव है, और वो कोई गुरु किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी को दे ही नहीं सकता, केवल गुरु की मौजूदगी में ये घटना संभव हो पाती है। तो ये भिखारीपन और ये मांग नहीं है, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत्य से सत्य की ओर। ये केवल इशारा है कि यहाँ गुरु बुला रहा है कि आओ, जहाँ तुम खड़े हो यहाँ आ सकते हो, बस ये इंडिकेशन है उपनिषद में, इसको मांग मत कहो। और हमारा मन कितना चालाक है, मांगने में कभी नहीं कतराता, और जहाँ पर मांग विदाय हो रही है उसके लिए तर्क उठ रहे हैं कि ये भी तो मांग है, कितना चालाक मन है, इस पर जरा गौर करो। आइए नेक्स्ट। माँ, ये नाभि में लप लप होना और धड़कन बिल्कुल तेज हो जाना, घबराहट सी होती है, तो ये नाभि केंद्र को कैसे मजबूत किया जाए, प्लीज आप कुछ रोशनी डालेंगे इस पर। ठीक, थैंक यू। अभी पीछे हमारे यहाँ साधना हुई थी, नाभि केंद्र की साधना, और लाओत्सु सीरीज पर हमने हमारे शिविर हुए थे, जिसमें कि बहुत सारी विधियाँ इस पर बताई गई हैं। पहला तो एक तानदेन विधि जो है, ये नाभि केंद्र को मजबूत करने की बहुत अच्छी साधना है। दूसरा ये कि हमको अपने नाभि का सतत स्मरण बना रहे, एक जाप कह लो कि सतत जाप, नाभि का उठना गिरना, पेट ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, सांस के माध्यम से जुड़ेगा ना, सांस जब भीतर आती तो पेट ऊपर उठता है, सांस बाहर जाती तो पेट नीचे गिरता है, इसका सतत स्मरण, कंटिन्यूअस जाप बना रहे। सब कुछ इसी केंद्र को, जब ये केंद्र पक्का हो जाए, इसकी याद बिना किसी कोशिश के बनी रहे, तब अब इसको समर्पित कर दो सब कुछ, क्योंकि हमें तब एहसास होता है कि ये जो सांस चल रही है, क्या मैं चला रहा हूँ, मैं चला सकती हूँ, या जो भी इस शरीर में काम हो रहा है कैसे हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा, ये एक केंद्र हमें मिल गया है, अब सब कुछ इसे समर्पित कर दो, यानी अपने आप सब कुछ हो रहा है इसका एहसास होने लगे, एक समर्पण की अवस्था अपने आप घटित हो जाएगी। अब कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, हमें पता चलेगा जब ये केंद्र मिल जाएगा कि तो अपने आप सांस का आना और जाना हो रहा, खाना अपने आप पच रहा, मैं थोड़ी पचा रही हूँ,
कोई भी आवश्यक गतिविधियां शरीर की जो भी है, क्या मेरे किए हो रही हैं? अपने आप ही हो रही हैं। जब हम निरंतर सेंटर्ड हो जाएंगे अपनी स्मृति में, और एक साक्षीपन घटित होगा, साक्षित्व घटित होगा, अब घटना घटानी नहीं पड़ेगी, कोई कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, केवल हमें अपने नाभि की याद आ गई, वहाँ हमारा सतत स्मरण थम गया, तो अब हमें पता चलेगा कि हम साक्षी हो गए, और पूरा जीवन एक लीलावत हो जाएगा फिर, और जीवन पूरा ही बदल जाएगा। हमें एक जीवन का केंद्र मिल गया, और हमें सही विकास तभी हो सकता है। ये एक घटना का जिक्र किया है ताओ उपनिषद में ओशो ने, कि मछलियों पर प्रयोग किए गए, कि दो जार में मछली रखी गई, एक जार में कोई डंडा नहीं है और खाली मछली है, एटर्नम घूम रही हैं, कोई दिशा नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो अपनी मर्जी से घूम रही हैं, और एक जार में एक सेंटर है, एक डंडा है, और उस डंडे के चारों ओर वो मछलियाँ घूम रही, चक्कर लगा रही हैं, खेल रही हैं, खा रही हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं तो जिस जार में डंडा है उस जार की मछलियाँ बहुत जल्दी विकसित हुई, उनकी बाढ़ भी बहुत फास्ट हुई, वो ज़्यादा स्वस्थ रही, और जो दूसरी मछलियाँ थी वो छोटी रह गई, उनकी बाढ़ भी कम हुई, ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ और स्वास्थ्य भी नहीं रहा। तो अगर जब हमारे जीवन में सेंटर मिल जाता है हमें, तो हमारे भीतर एक अद्भुत विकास होता है चेतना का, हम ज़्यादा चैतन्यमय हो जाते हैं, हम ज़्यादा होशपूर्ण हो जाते हैं, हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं, ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं, ज़्यादा अकंप हो जाते हैं, भय विहीन हो जाते हैं, एप्रिहेंशन हमारा ख़त्म हो जाता है, पूरा जीवन एक फिर लीलावत हो जाता है, एक भरोसा पैदा हो जाता है भीतर। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ओशो का सन्यासी हूँ, तो क्या वह भी एक प्रकार की कंडीशनिंग नहीं है? ठीक बात। ऐसे समझो कि किसी को कोई कांटा लग गया है, तो कांटे को जब निकालना होगा तो हम सुई का उपयोग तो करेंगे ना, कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करेंगे। हमको अपने नाम से अत्यधिक लगाव हो गया है, हमने उसको अपना होना मान लिया है, नाम ही तो अहंकार का कारण है, नाम से तो सब कुछ जुड़ गया है, तो ये पुराने नाम से कैसे हमारा तादाद में टूटे, इसके लिए ओशो हमें नया नाम देते हैं और हमारी मंजिल की ओर इशारा करते हैं। जाना तो है उस अनाम तत्व की ओर जो हमारे भीतर मौजूद है, मंजिल तो वही है, लेकिन बहुत सारे विकल्पों में से पहले हमें एक संकल्प पर आए, आत्मा पैदा हुई, और अब इसमें डूबते डूबते अब पता चलेगा कि नाम तो एक उपयोगितावादी दृष्टि उपयोग है ना, नाम के बिना हम संबंधित कैसे होंगे, सिर्फ एक उपयोग के लिए है। मेरा कोई नाम हो सकता, तुम्हारा कोई नाम हो सकता, भीतर वो जो ऊर्जा है उसका क्या नाम हो सकता है। संत कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो उसका एक वो शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, उस अनाम को नाम कहते हैं, बस वही है, वही एक ऊर्जा है जिसे हम ओम कह लें, जिसे हम आलोक कह लें, जिसे हम चैतन्य कह लें, उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन उस तक जाने के लिए ओशो अपने नाम से जो हमारा लगाव है पुराने से डिटैच, ऐसे सोचो कि किसी एक पौधे को पुराने जगह से उखाड़ा और नई जगह पर स्थापित किया, और उस नई जगह आत्मा की भूमि में स्थापना के लिए काम चलाऊ नाम दे दिया। एक दिन पता चलेगा कि ये पेड़ मैं नहीं हूँ, ये भूमि, ये जो भूमि है इसका विस्तार ही मैं हूँ, ये कांटे से कांटा निकालना हुआ। सभी नामों से हम मुक्त हो जाएंगे, अनाम हैं, अरूप हैं, हम कभी हमारा जन्म नहीं हुआ, ना हम कभी मरेंगे, उस अमृत तत्व को पाने के लिए काम चलाओ एक स्टॉप है ये नया नाम। ठीक। माँ प्रणाम, मेरी ज़िंदगी से दर्द कभी जाते ही नहीं हैं, कोशिश करती हूँ कि झगड़े ना हों, लेकिन मेरे पति तकलीफ़ देने में कोई कमी नहीं छोड़ते, मैं अध्यात्म में ऐसे कैसे आगे बढ़ पाऊँगी? ठीक, बैठिए। अध्यात्म की प्यास शायद पतिदेव के कारण ही पैदा हुई है, उनके दुख, क्योंकि दुख जो है वो जगाता है, सुख जो है वो हमें सुलाता है, तो ये जो लगातार
दुख देना चल रहा है, जो प्रताड़ना चल रही है, वो फायदा भी हो गई। उसका फायदा यह हुआ कि तुम यहाँ आ गई हो, ओशो से जुड़ गई हो, स्वयं के जानने की दिशा पकड़ ली है, वो प्रेम जो शाश्वत है उससे नाता जुड़ने का रास्ता मिल गया है। तो ये पति अगर प्रेमपूर्ण होते और लड़ाई नहीं करते और दुख नहीं देते तो ये प्यास भी नहीं जगती। जीवन में दुख हमें जगाता है। जिस जो भी जागा है, भगवान बुद्ध क्यों जागे? सबका दुख देखकर दुख ही उन्हें जगाया और उन्होंने महल छोड़ा। जिसके भी भीतर जागरण आया, दुख के कारण आया, मृत्यु के कारण आया, तो ये धन्यवाद दो इसको कि दुख के कारण तुम्हारे पति ने जो दुख दिया उसके लिए धन्यवाद दो जाकर। और फिर पाओगी कि बाहर कोई दुख कितना भी दे, हमारे भीतर का आनंद जो है वो बाधित कभी नहीं हो सकता। कितने दुख आ जाए जीवन में, कितने दुख आ जाए, लेकिन भीतर जो वो एक अवस्था है, वो जो स्पेस है, वहाँ तक कुछ भी नहीं छूता और वहाँ तक जाने से कोई रोक भी नहीं सकता। वो आपकी अपनी संपदा है और हर पल कभी भी आप उससे जुड़ सकते हो और उसमें डूब सकते हो। चाहे आप यहाँ हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाजार में हो, कहीं भी हो, उस एकांत, उस निर्जन एकांत तक कोई नहीं पहुंच सकता और वहाँ आनंद ही आनंद है। दुख जो देगा वो सुख भी देगा कभी, और सुख जो देगा वो दुख भी देगा कभी, दोनों टेम्परेरी हैं। अभी गाना पहला ही सुना था ना, दुख कभी नहीं रहता, गम की काली रातें सदा रहती नहीं हैं, तो और सूरज की किरणें शाम बन जाती हैं, तो चेंज होता रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन भीतर एक हमारी अवस्था है जो कि निरंतर एक जैसी है, सदा एक रस। बाहर जब भी हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे, जितना सुलझाओ उतना उलझ जाता है, जितना सुलझाओ उतना उलझ जाता है, धागों के गुच्छे सा हो गया है आदमी। दूर से लुभाता है, पास से चुभाता है, कैक्टस के झाड़ सा हो गया है आदमी। तो बाहर तो ऐसी स्थिति है, लेकिन दूर से सब चीज़ें लुभावनी लगती हैं, पास आते ही हर चीज़ की, पेड़ है तो फूल है तो कांटे भी होंगे, कांटों को चुनोगी, फूलों को चुनोगी तो कांटे गड़ेंगे, कांटे चुभ रहे हैं तो कभी फूल की भी महक आएगी, ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन बाहर उलझाव बना रहेगा, सुलझाने की कोशिश मत करो। भीतर जहाँ समस्या, वहाँ कभी सुलझाव मिलता ही नहीं है। जहाँ हमारे भीतर समाधान है, जहाँ समस्या नहीं है वहाँ समाधान है, और जहाँ समाधान है वहाँ समस्या ही नहीं है। तो अपने भीतर जब भी हम जाएंगे, अपने अंतरतम में, उस निर्जन द्वीप में, वहाँ पर कोई दुख नहीं, वहाँ कोई दुख दे नहीं सकता, क्योंकि वहाँ दूसरा आ ही नहीं सकता, और वही हमारा होना है, वास्तविक होना। माँ प्रणाम। परमात्मा तक पहुँचने के ओशो ने दो मार्ग बताए हैं, संकल्प और समर्पण। तो संकल्प या समर्पण जो भी होता है वो मन से किया जाता है, तो हमें कैसे पता लगे कि हमने समर्पण कर दिया है या हमें इल्यूजन है, क्योंकि दोनों ही मन की ही कलाएं हैं, तो मन बड़ा चालबाज है, समझ नहीं आता, कृपया बताइए। तो संकल्प भी कर लो और समर्पण भी कर लो, दोनों कर लो तुम, ठीक है। सुबह संकल्प के मार्ग पर चलो और शाम को समर्पण के मार्ग पर। हम ओशो मिलन संध्या करते हैं, समर्पित हो जाओ, जो संकल्प करेगा वही समर्पित हो सकता है ना, और जो समर्पित हो सकता है वही संकल्प कर सकता है, दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। और मन तो ऐसे ही उधेड़ बुन करता रहेगा, मन की मत सुनो, चलो एक कदम, नहीं तो ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाती है, ठीक है।